अब तक हम डॉग ट्रेनिंग के बारे में बात करते थे, लेकिन आपको पता है डॉग ट्रेनिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या सामान यूज किया जाता है उसके लिए, या फिर क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? तो आज दो बेसिक चीजों की हम बात करेंगे, दैट वुड बी अ कॉलर एंड अ लीश। कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। तो आज मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आप लोगों का स्वागत करता हूँ TUC पे। तो फर्स्ट बताऊंगा मैं कॉलर के बारे में, कॉलर होता क्या है। कॉलर बेसिकली एक इक्विपमेंट ऐसा है जिससे आपका डॉग काबू में रहता है, जो उसे गले में पहनाया जाता है, जो बेसिकली या तो मेटल का होता है, रोप का होता है या फिर कपड़े का होता है। ये बहुत ही पर्टिकुलर चीज होती है जिससे आपका डॉग इरिटेट ना हो और कंफर्टेबली रहे। इस तरह के कई कॉलर्स के पार्ट हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो पहला कॉलर बात करेंगे दैट वुड बी अ बेसिक कॉलर, जो किसी भी दुकान पे या हार्डवेयर स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जो बेसिकली नायलॉन की रस्सियों से मिला के बनाया जाता है, जो हार्डली आपको 50 से 60 रुपए का मिलेगा। उसे आप अपने डॉग के गले में डाल सकते हैं, जो बिल्कुल आम तरीके होता है, जिसमें देसी नॉब होता है, आप यूज कर सकते हैं उस कॉलर को, जिससे आप अपने डॉग को वॉक पे लेके जा सकते हैं। उस कॉलर का यूज बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आजकल जो फैंसी कॉलर्स आ रहे हैं उनसे लाखों गुना अच्छा होता है। अब आते हैं सेकेंड तरह के कॉलर पे, दैट इज मेटल कॉलर, मतलब धातु से बना हुआ कॉलर। बेसिकली मेटल कॉलर होता क्या है, मेटल कॉलर उनके लिए यूज किया जाता है जो हम देखते हैं गाय भैंसों के लिए गांव में। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट उठ के आया कि अगर आपके पास पाकिस्तानी बुली है या रॉटवाइलर है या बोरबॉल है या फिर डोगो अर्जेंटीना, तो उनके गले में इस तरह का कॉलर होना चाहिए। जो आपके पास बड़े डॉग्स है उनके लिए यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज हमने देखा है कि गांव में बड़े बड़े जानवरों के गले में उस तरह का चेन या जंजीर पहनाई जाती है। लेकिन वो चीज हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके गले में निशान डाल देता है और उससे आपका डॉग इरिटेट भी बहुत होता है और स्किन एलर्जीज का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरे कॉलर पे, जो है चोक कॉलर। चोक कॉलर होता क्या है, चोक कॉलर वो कॉलर है जो आज से बहुत साल पहले 1962 में कोलर ने डिस्कवर किया था, जिससे विलियम कोलर ने, जो कि ट्रेनिंग का जिसने इजाद किया था, जिससे वो ट्रेन करते हैं डॉग्स को, जिससे कि डॉग हल्का सा चोक होता है और उसको ऑक्सीजन की ड्राइव मिलती है, या वो से सांस लेने में दिक्कत होती है, या वो आगे बढ़ता है तो उसके ब्रेन से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है जब आप चोक चेन को ज्यादा तेज खींचते हैं। उस चीज का जो यूज है वो करना चाहिए, लेकिन मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करता, बहुत कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप चोक चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यूज करना नहीं आता तो डॉग का जो वर्टीब्रे है या नेक बोन है वो टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सो मेक श्योर करें, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो इस तरह के कॉलर का इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं हम लोग चौथे तरह के कॉलर पे, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग कॉलर। प्रॉन्ग कॉलर भी एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर होता है, जो मेटल और प्लास्टिक दोनों में होता है, जिसके अंदर से दांत निकले होते हैं ऐसे, और आपके डॉग के यहाँ पे ऐसा लगा होता है, जिससे कि उसे पुल करने की आदत स्टॉप की जा सके, और बड़े डॉग्स को कंट्रोल करने में कई ज्यादा यूज होता है। लेकिन प्रॉन्ग कॉलर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ बहुत लोगों को, लेकिन इंडियन मेड नहीं, बाहर के। इंडिया में अगर आप प्रॉन्ग कॉलर ढूंढेंगे वो आपको 800-900 रुपए का मिलेगा और बहुत वाहियात क्वालिटी का होगा, जिससे आपके डॉग के गले में चोट लग सकती है। लेकिन असली में जो प्रॉन्ग कॉलर होता है वो ऐसा होता है कि वो मेटल का भी हो तो वो पानी का गुब्बारा भी नहीं फोड़ सकता, वो इतना टेक्निकली अप्रूव्ड होता है। अब बात करेंगे फिफ्थ तरह के कॉलर के बारे में, जो कि है सेमी चोक कॉलर। सेमी चोक कॉलर चोक कॉलर का ही भाई होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि सेमी चोक कॉलर में मेटल की जगह वहां पे कपड़ा लगा होता है, नायलॉन से बना हुआ, जिससे क्या होता है आपके डॉग के गले में निशान नहीं पड़ता और परेशानियां नहीं होती उसे सांस लेने में, लेकिन उससे पुलिंग बहुत ज्यादा कम की जा सकती है। लेकिन वो भी तब यूज करें जब कोई प्रोफेशनल आपके डॉग के लिए रिकमेंड करे, उससे पहले नहीं। अब आते हैं हम सिक्स तरह के कॉलर के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिक कॉलर। अब ये बहुत विवाद वाली स्थिति है कि मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक कॉलर यूज करो तो लोग मुझे इस वीडियो पे गालियां देंगे, कहेंगे कि आप कुत्ते को इलेक्ट्रिसिटी से क्यों तंग करना चाहते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक कॉलर का यूज बहुत ही टेक्निकल होता है। इफ यू वॉन्ट योर डॉग टू बी ट्रेन लाइक एन आर्मी डॉग, अगर आप चाहते हैं कि आपका कुत्ता प्रॉपर एडवांस लेवल पे जाके ट्रेन हो, या उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और कोई तरीका काम नहीं आ रहा, लास्ट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिक कॉलर, जिसमें कुछ नहीं होता, जस्ट हल्की सी वाइब्रेशन निकलती है एंड आपके डॉग को कोई झटका नहीं लगता, लेकिन उसके ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है कि एकदम स्टॉप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़ाई करने जा रहे हैं और एकदम से कोई आपके ऊपर धक्का दे या आपको हिला दे, तो आप उस जोन से बाहर रहते हैं, तो उसी तरीके का झटका डॉग को दिया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक कॉलर, और उसको जोन से बाहर निकाला जाता है।
इलेक्ट्रिक कॉलर बहुत ही हेल्पफुल होता है, लेकिन तभी यूज़ करें जब कोई बहुत अच्छा K9 ट्रेनर आपके साथ हो। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से K9 प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है। अब तक हम बात कर रहे थे कॉलर्स के बारे में, अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉलर से जुड़े हुए स्ट्रिंग के बारे में, जिसे कहते हैं लीश। लीश एक धागा होता है, एक रस्सी होती है जो बेसिकली आपके डॉग के साथ अटैच होती है, या एक कॉर्ड जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को डॉग तक पहुँचाते हो। अगर आप एंशियस हो गए, आप गुस्से में हो गए, या फिर आप खुश हो गए, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी उस कॉर्ड के थ्रू आपके डॉग तक पहुंचेगी। जिस तरह माँ अपने बच्चे के पास सब चीज़ें पहुंचाती है, अपने इमोशंस को पहुंचाती है जब वो बच्चा पेट में होता है और वो नाभि से जुड़ा होता है, तो उसी तरह, उसी कॉर्ड की तरह आपकी लीश उस चीज़ से काम करती है जो डॉग को आपकी एनर्जीज प्रोवाइड करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एनर्जीज काफ़ी नहीं होती, आपको लीशेज डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए होती हैं। मैं यूज़ करता हूँ सिंपल रोप लीश जो मोटी होती है और अच्छी होती है, आगे एक बक्कल लगा होता है लोहे का या कॉपर का, जिससे डॉग को हुक करता हूँ। आप उस लीश से बड़े डॉग को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो बेसिक लीश होती है, बेसिक रोप कॉर्ड होती है जिससे मैं यूज़ करता हूँ, जो नायलॉन की रस्सियों को जोड़ जोड़ के बनाई जाती है। आपको उससे ज़्यादा कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं, अगर आपका ट्रेनर या आपका ट्रेनिंग स्कूल कुछ कह रहा है कि यू शुड गो फॉर, या आपका पेट शॉप या डॉक्टर कह रहा है कि आप ये ले लीजिए, एक आजकल नया आता है बटन ऑन करो तो लीश लंबी हो जाती है, कुत्ता दूर तक जा रहा है। दीज आर फैंसी थिंग्स, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात करेंगे दूसरे तरह की लीश की, जो कि बेसिकली है स्लिप नॉट लीश। स्लिप नॉट लीश वो होती है जो कॉलर और लीश का काम दोनों करती है, जो आपके डॉग के यहाँ पे अटैच की जाती है और रखा जाता है, और इससे क्या होता है कि आपका डॉग जो है पुल करना बंद करता है और आपके काबू में ज़्यादा होता है। इसे बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो बेसिकली वो लगाम होती है कुत्ते की, जैसे घोड़े की लगाम आपके हाथ में होती है वैसे ही कुत्ते की लगाम आपके हाथ में होती है। आप उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस ना करें इस चीज़ को। उससे भी आपके डॉग का जो गला है, लेरिंग्स है या फिर वर्टिब्रे है, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार ऑक्सीजन कट होने के कारण डॉग मर भी जाता है। सो विदाउट प्रोफेशनल हेल्प यूज़ ना करें। अब आते हैं तीसरे प्रकार के लीश के बारे में, जिसे कहते हैं जॉगिंग लीश, जो बेसिकली आप अपने फैनी पैक के साथ कमर में अटैच करके रखते हैं और जब आप जॉगिंग करने जाते हैं तो आपका डॉग आपके साथ भाग रहा होता है। वैसे तो वो इतनी सी लीश होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है जिससे वो स्ट्रेच हो सकता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो आप जॉग कर रहे हैं तो आपका डॉग हल्का सा भी अगर पुल कर रहा है तो आप गिरोगे नहीं, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। महंगी आती है वो, अराउंड 700 से 2000 तक की लीश आती है, लेकिन काफ़ी काम की होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रकार के लीश के ऊपर, जो कि है लॉन्ग लीश या ट्रैकर लीश या सर्च एंड रेस्क्यू लीश। अगर आप अपने डॉग को रिकॉल सिखाना चाहते हैं तो ये लीश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप लंबे ट्रैक्स पे जा रहे हैं अपने डॉग को लेके और आपका डॉग आज़ादी से भी घूमे, तो आप 30 मीटर लंबी एक कपड़े की लीश मंगवा सकते हैं जो कि नायलॉन से बनी होती है, नायलॉन से जुड़े हुए तारों से, और उससे आपका डॉग 30 फीट तक दूर फ्रीली घूम सकता है, लेकिन फिर भी आपके काबू में रहेगा, आप उसके अंदर अटैच रहेंगे। इस लीश का जो यूज़ होता है बेसिकली पोचर हंटिंग के लिए यूज़ होता है। पोचर हंटिंग मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं अपने डॉग को छोड़ देते हैं और लीश के अटैच रहते हैं, या फ्यूजिटिव हंटिंग के लिए होता है। फ्यूजिटिव हंटिंग मतलब जो जेल से भागे हुए कैदी होते हैं या खूनी होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इन लॉन्ग लीशेस का यूज़ किया जाता है। जो हैंडलर्स होते हैं, केनाइन हैंडलर्स, वो यूज़ करते हैं ताकि जंगल के अंदर या सिटी के अंदर डॉग को एक आज़ादी मिलेगा, एक रोम एरिया मिलेगा जिससे वो देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और फ्रीली घूम सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, और सर्च एंड रेस्क्यू में भी इसलिए किया जाता है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ दो यूज़ होंगे, एक तो रिकॉल समझाने के लिए और दूसरा आपके साथ ट्रैक करने के लिए। अब इसके पार्ट टू में हम जानेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरे इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे कि मजल, क्लिकर, इन सब चीज़ों के बारे में जो आप जानना चाहते हैं कि डॉग ट्रेनिंग में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अभी इसके पार्ट टू के बाद भी पार्ट थ्री बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। एंड दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण साइनिंग आउट। बाय बाय।